क्या प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन करने से मेरे बच्चे की स्पीच आ सकती है, या फिर कौन कौन से रिफ्लेक्सेस हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो स्पीच के लिए हैं और मैं अगर वो करूं और स्पीच आ जाए बच्चे की? ये मेजर क्वेश्चन रहते हैं बिकॉज स्पीच इज द मेजर कंसर्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या स्पीच आती है प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन के बाद? यस, क्योंकि ब्रेन एंड बॉडी सिंक में आना स्टार्ट होते हैं, इनवॉल्यूएंट्री पैटर्न्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं, नए न्यूरो सर्किट्स बनते हैं जिसकी वजह से बच्चे के सेंसरी इश्यूज डाउन होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, बच्चा अपनी दुनिया में खोया कम रहता है। तो यस, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन से स्पीच आने के चांसेस रहते हैं एंड इट इम्प्रूव स्पीच एंड लैंग्वेज, और बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट में शेयर किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओके, स्पीच आती है, मैंने टेस्टिमोनीज में बहुत सुना है, लोगों से बहुत सुना है, बट वो कौन कौन से रिफ्लेक्सेस हैं कि मैं उन पे काम कर लूं और मेरे बच्चे की स्पीच आ जाए? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप जो स्पीच से रिलेटेड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं आप उन पे काम करेंगे और बच्चे की स्पीच आ जाएगी। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि आपके बच्चे में कौन कौन से रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस हैं जो आपके बच्चे की डेवलपमेंट को हिंडर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे में मोरो है, ATNR है, पामर ग्रास रिफ्लेक्स है और STNR है, ये चारों रिफ्लेक्स रिटेन है, तो आप इन्हीं की एक्सरसाइज कराइए। स्पीच से रिलेटेड जो रिफ्लेक्सेस हैं या वही रिफ्लेक्सेस पे अगर आप काम करेंगे, पता चला आपके बच्चे को वो रिटेन्ड है ही नहीं और आप काम कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। ऑलवेज वर्क ऑन रिफ्लेक्सेस दैट आर रिटेन्ड इन योर चाइल्ड, जो आपके बच्चे में है उसी पे काम कीजिए, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर रिटेन्ड रिफ्लेक्स स्पीच को मुश्किल करता है, स्पीच में दिक्कत करता है, क्योंकि सेंसरी इश्यूज तो है ही है। अगर जब तक बच्चे में सेंसरी इश्यूज रहेंगे, बच्चे के विजुअल हैं, ऑडिटरी हैं, सेंसरी ओवरलोड है, तो बच्चे की स्पीच में डिफिकल्टीज आएंगी ही आएंगी। वर्बल है बच्चा बट कंटेक्स्ट में स्पीच नहीं है, वर्बल है बच्चा कंटेक्स्ट में स्पीच है बट वो बोलना नहीं चाहता, तो देर आर एंड नंबर ऑफ इश्यूज। वो ये नहीं है कि आप स्पीच रिलेटेड अगर आपने रिफ्लेक्सेस किए और उससे हो जाएगा, जो आपके बच्चे के कंसर्न्ड और रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं उस पे काम करना है। थर्ड मेजर क्वेश्चन रहता है कि कौन कौन से पर्टिकुलर ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं जो एक्चुअली में स्पीच में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, स्पीच में डिफिकल्टी लाते हैं। तो देर आर थ्री मेन रिफ्लेक्सेस जिनकी वजह से अगर वो रिटेन है तो बिलीव मी स्पीच में इश्यूज आएंगे ही आएंगे। फर्स्ट इज रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स, द सेकेंड इज TLR टोनिक लेब्रिंथाइन रिफ्लेक्स, एंड द थर्ड वन इज पामर ग्रास रिफ्लेक्स। तो ये तीनों रिफ्लेक्स ऐसे हैं क्योंकि ये तीनों हमारे ब्रेन में जो हमारे स्पीच एंड लैंग्वेज सेंटर है, वर्निके एंड ब्रोका, ठीक है, उनसे रिलेटेड हैं, वहां पर इश्यूज आएंगे। एंड अगर मैं बात करूं रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स बिकॉज इट्स रिगार्डिंग माउथ एरिया, तो वहां पर टंग मूवमेंट की इश्यू आएगी जिसकी वजह से स्पीच जनरेशन में इश्यू आएगी। तो दीज आर द थ्री रिफ्लेक्सेस। इस पे डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, स्पीच एंड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस दैट हिंडर स्पीच, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर समझ सकेंगे कि ये तीनों जो रिफ्लेक्स हैं कैसे स्पीच में डिफिकल्टी लाते हैं। सो द मेन क्वेश्चन इज कि क्या मुझे सभी प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे काम करना है? देखिए, सभी पे नहीं करना है, जो आपके बच्चे में रिटेन्ड हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस आप उन पे काम कीजिए, बिकॉज हमें बहुत सारे एरियाज हैं जो कवर करने हैं। आप सभी रिफ्लेक्सेस पे काम करेंगे जो कि आपके बच्चे में नहीं है तब भी काम करेंगे, तो takes a lot of time and processing for the child, तो हम बाकी चीजों पे कब काम करेंगे? तो पहले आपको चेक करना है जो बच्चे में रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस हैं उन्हीं पे काम करना है। अब वो हम कैसे चेक करें? आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां प्रिमिटिव रिफ्लेक्स फोल्डर है, वहां पर हर रिफ्लेक्स की अलग अलग वीडियो है जहां पर उनके सिम्टम्स दिए हुए हैं, टेस्ट करने का तरीका भी मेंशन है और एक्सरसाइजेस भी मेंशन है। आप उन वीडियोस को देखिए, वहां से आपको पता चलेगा कि कैसे टेस्ट करना है, असेस करना है कि रिटेन्ड है या नहीं, अगर रिटेन्ड है तो कौन सी एक्टिविटीज को फॉलो करना है।
आई होप इससे आपके बहुत सारे डाउट्स रिगार्डिंग स्पीच एंड रिफ्लेक्सेस क्लियर हुए होंगे।